थाने पुलिस ने आतंकी दाऊद के भाई इकबाल कासकर के खिलाफ जबरन वसूली मामले में चार्जशीट फाइल कर दी है। इकबाल कासकर के साथ साथ छोटा शकील के खिलाफ भी चार्जशीट फाइल की गई है। चार्जशीट में यह बताया गया है कि कासकर अपने सहयोगियों से थाने, मुंबई, नवी मुंबई और देश के अन्य हिस्सों के बिल्डर और बिजनेसमैन लोगों से आतंक फैलाने के लिए जबरन वसूली करवाता था। आपको बता दें, करीब 2 महीने पहले इकबाल को थाने क्राइम ब्रांच ने सोमवार को गिरफ्तार किया था। इकबाल कासकर पर एक बिल्डर को उगाही के लिए धमकी देने का आरोप भी है। इकबाल कासकर गैंग के कुछ लोगों ने एक बिल्डर को फोन कॉल कर धमकी दी थी और उनसे फिरौती की मांग भी की थी। यह घटना 2016 की है। एक बिल्डर को धमकी भरा कॉल आया और उससे 4 फ्लैट की फिरौती मांगी गई थी। डर की वजह से बिल्डर ने पुलिस में केस दर्ज नहीं करवाया। वसूली के खिलाफ काम करने वाले क्राइम ब्रांच सेल को जांच के दौरान इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद इकबाल कासकर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।